आगामी 17 जनवरी को यहाँ पर जो नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है, जो साईं नेत्रालय के द्वारा किया जाता है हर साल, इस साल भी है, इस बार कितना अलग होगा यह नेत्र जांच शिविर, क्या होगा इसमें अलग कुछ नियम? देखिए, पिछले साल तक जो साईं नेत्रालय के माध्यम से हमारे यहाँ जो कैंप लगता था, विगत 10-12 वर्षों से लगता है, तो उसमें था कि जितने भी जर्नली लोग भी आते थे उस मुफ्त जाँच होता था, और जो भी मोतियाबिंद के मरीज पाए जाते थे उनका मुफ्त में ऑपरेशन होता था। यहाँ से बस ले जाकर जाती थी पटना और वहाँ से लाकर जाते थे। लेकिन इस बार जो होगा केवल आयुष्मान भारत के कार्डधारियों का ही मुफ्त लेंस लगेगा। जांच शिविर में सारे लोगों का जांच फ्री होगा, लेकिन वैसे व्यक्ति ही सिलेक्शन किए जाएंगे जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। यानी जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड रहेगा वो पटना तक अपना इलाज कराएंगे, जिनका हाँ। नहीं होगा यहाँ जो प्राथमिक उपचार वो किया जाएगा। जी जी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से गाड़ी से भेजा जाएगा, वहाँ फ्री में लेंस लगेगा, वहाँ से फिर गाड़ी यहाँ का यहाँ पर समझिए पंचायत में छोड़ देंगे। तो 17 तारीख है, तो लोगों के बीच में यह अपील आप कर रहे हैं, कहने मतलब कि जिसका आयुष्मान कार्ड है, जिसका नहीं है तो वो तो फिलहाल इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। जिनका नहीं है, जिनका है, जांच शिविर में सारे लोग आए, सबका जांच होगा, आयुष्मान भारत जिनके पास उनको लाभ मिल सकेगा, और जिनको ये मोतियाबिंद पाया जाएगा उनको बताया जाएगा कि पास है कि नहीं है, और उनका कार्ड अगर है तो आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। कई लोगों का तो यह देखने को मिला कि आयुष्मान भारत कार्ड रहते हुए भी उनका नाम नहीं है, तो ऐसे लोग तो इस बार थोड़ा सा दुखी रहेंगे। तो जिनका राशन कार्ड में नाम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग को चिन्हित करके उनका राशन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से अपील यही करेंगे कि तमाम भोजपुर वासियों से अपील करेंगे कि जिनको भी ये लाभ शिविर में उठाना है और स्वस्थ मेरे आवास पर आए 17 जनवरी को, और आराम से आए, सारी सुविधा उनको दी जाएगी, बैठने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सारा सुविधा दी जाएगी, और आराम से अपना जांच कराए। या पैसा उससे भी लगेगा? हमारे शिविर में पिछले 10 वर्षों से जो भी है शिविर लग रहा है, चाहे अब लगने वाला है 17 तारीख को, एक भी पैसा इसमें नहीं लगना है। यहाँ तक कि जो फोटो शूट वगैरह होगा मैं अपने द्वारा ही करा देता हूँ। सब निःशुल्क रहेगा।